अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राहुल नईम। अगली वीडियो के साथ आपको दिखाना हारूनाबाद स्टेशन। ये नाम देखिएगा, हारूनाबाद स्टेशन है, बंद स्टेशन इसको बोलते हैं ना, बंद लाइन यहाँ मतलब हो चुकी है, नहीं मिलाएंगे यहाँ पे। ये इसकी केबिन साइड पे है। ये बुरा हाल हुआ पड़ा स्टेशन का, कभी दौर था ये स्टेशन आबाद था। यहाँ की आवाम जो है मुसाफिर खाना टिकट घर, देखिए ये भी लिखा हुआ है किरायानामा टाइम टेबल। ये विंडो है टिकट घर की। ज़बरदस्त बना हुआ है, ये दफ्तर है। देखें यहाँ पे टिकट चलते थे, कार था वगैरह है। ये आप देखिएगा यहाँ पे ये कांटा बदलने के लिए, जो कि पुराना सिस्टम है। आप ज़्यादा चलिए, ये यहाँ पर पुराना सिस्टम काटने वाला ये लाइन है हमारी। मैंने पिछली वीडियो दिखाया था आपको बहावल नगर में, वहाँ पे लाइन नहीं थी, यहाँ पे लाइन मौजूद है। ये हालत लाइन की है, देखिएगा ये लाइन है। और ये प्लेटफॉर्म सामने मलियाबाद है, ये बहावल नगर की तहसील हरुणाबाद। इसका व्यू देखिएगा, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। 40.70 किलोमीटर, मैंने बताया था बहावल नगर से दो रूट निकलते हैं, एक मल्ली सारागंज मिचनाबाद अमरुका, और एक ये रूट है हरुणाबाद फोटाबाद। पीछे स्टेशन डूंगा पुंगा भी है, जो कि वो भी ख़त्म हो चुका है स्टेशन। ये हरुणाबाद है, उसके बाद फोटाबाद है। बड़े कामयाब स्टेशन थे ये, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, बहुत पैसेंजर थे यहाँ पे। ये मशहूर मंडी है, हरुणाबाद की मंडी, फोटाबाद की मंडी बड़ी मशहूर है पंजाब की। यहाँ पे लोगों का आना जाना था। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह बसें कोचेज़ वगैरह चलती हैं, रेलवे का रुझान ख़त्म हो गया लोगों का। ये अगर आबाद हो जाए तो बहुत कामयाब रूट है बहावल नगर का, हरुणाबाद का, फोटाबाद का। लेकिन रेलवे की गफलत या समझ लें, कुछ भी समझ लें, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंतजामिया का मामला है। लेकिन बहरहाल ये होना चाहिए था स्टेशन, अभी भी अगर चाहे तो आबाद कर सकते हैं इसको। इतना रूट भी लंबा रूट नहीं है, और पैसेंजर ट्रेन यहाँ चलती थी, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन बहावल नगर से यहाँ तक फोटाबाद के लिए। हमारे दुआ जी ये आबाद रहे स्टेशन। मैं तो आगे दिखाता हूँ आपको, ये आगे के सामने ट्रैफिक है, रोड आबाद हो गया है, देख सकते हैं आप, झोंपड़ियाँ आ गई हैं। गैर आबाद है, क्लास से मुतरूक हो चुका है। रेलवे की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन हमला भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है। कज़न है ये, मंडी सारागंज के हैं, ये भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं, इन्होंने देखा स्टेशन को। असल काफ़ी पुराना स्टेशन है ये, हिंदी जबान में इसके ऊपर दर्ज किया हुआ हरुणाबाद जी। ये देखे ना, लिखा हुआ है, बड़ा पुराना स्टेशन है ये, मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है। अभी भी देखें आसार, इसके बुनियादें, इसकी बुनियादें देखें, इसकी अभी भी वैसी की वैसी हैं। आजकल जो नए मकान हैं उनकी बुनियादें हिल चुकी हैं, लेकिन ये इसकी बुनियादें वैसी की वैसी हैं। बच्चों की क्रिकेट खेलने की जगह, ये इसका बाहर का व्यू। ये देखें गैराबाद, कोई तवज्जो नहीं, बेतवज्जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है। ये नीचे देखें इसका वाटर पंप, जहाँ से पानी सप्लाई होता था, ये सारा गैराबाद।
ये गालबन मुसाफरों के लिए वाशरूम। ये दोबारा प्लेटफॉर्म पे आए हम लोग। आज की वीडियो इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह मंडी सादगंज मुलाकात होगी, उसको भी दिखाएंगे आपको स्टेशन का व्यू कि वो स्टेशन गैराबाद है, वहाँ पे भी मुसाफिर इंतज़ार में है कि ट्रेन चले, लोग इंतज़ार में हैं कि ट्रेन बहाल हो इस सेक्शन की। हमारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।